Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon also, so that you won't miss my future videos. Hello everyone, this is Shweta. Welcome to my channel. So, कैसे हो आप सब लोग? And जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हरियाली तीज है. And हरियाली तीज बहुत ही ज़्यादा auspicious festival है. And ये सावन के महीने में आता है. And ये मेरे in-laws के घर में बहुत ही ज़्यादा celebrate होता है. क्योंकि ये यूपी की साइड का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है एंड इसमें हमें ग्रीन कलर का सूट या साड़ी पहनना होता है एंड पूरा सोलह श्रृंगार करना होता है. सो मैंने भी आज सूट लिया है एंड ये एक शरारा सूट है तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी है एंड फेस्टिवल के टाइप का भी हो गया और मेरे तीज के फेस्टिवल में भी यूज़ हो गया एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये. और मैंने साथ में ये चूड़ियाँ भी ली हैं ग्रीन ग्रीन कलर की. सो और इनको मैंने अपने गोल्डन कलर के कंगन के साथ कंबाइन किया हुआ है. बहुत ही सुंदर लग रही है एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसा कभी कभी रेडी होना क्योंकि हम यूजुअली तो ऐसे रेडी नहीं होते हैं कि हाँ हम बिल्कुल पूरा श्रृंगार कर रहे हैं. तो फेस्टिवल में इस तरह से रेडी होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये फेस्टिवल आने भी चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है ऐसा रेडी होना पूरा का पूरा. नए नए कपड़े पहन रहे हो, पूरा श्रृंगार कर रहे हो, कोई चूड़ियाँ नहीं ले रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है. तो मेहंदी भी लगाते हैं इस फेस्टिवल में तो मैंने मेहंदी लगाई है, ये देख सकते हैं आप. ये मैंने खुद से लगाई है एंड ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है. बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए ये मेहंदी. एंड एक्चुअली में हुआ क्या था कि कल हम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो मैं जा नहीं पाई बाहर मेहंदी लगाने के लिए. सो आई थॉट कि मैं खुद ही लगा लेती हूँ. तो ये मेरे खुद के कारनामे हैं और ये मेरे पति के कारनामे हैं. उन दोनों ने दोनों के जितने भी कारनामे थे उन्हें अपने हाथ में छाप दिए. गाइस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना तीज डे मैंने कैसे कैसे स्पेंड किया आज का दिन. तो पहले तो मैंने तीज से लेकर खाना बनाया. इसमें काफ़ी डिशेज़ बनाई जाती हैं जैसे खीर हो गई, पूरी हो गई, मालपुए हो गए, कचौरी हो गई. लेकिन जो मैंने आज बनाया है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी एंड मैं उसका थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो कैसे कैसे बनाया है. तो अब ये बन रहा है हमारा मालपुए का बैटर एंड इसमें मैंने ऐड किया है आटा, सूजी, दूध, चीनी एंड मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड की है क्योंकि सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एंड ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है ये सौंफ. अब मैं बना रही हूँ सेकंड आइटम एंड वो है पूरी. सो ये हो गया हमारा आज लंच तैयार विद घेवर. सो नेक्स्ट अब चलते हैं तीज के श्रृंगार की ओर. मेरा सावन की हरियाली तीज का हरा भरा लुक. सो आज के दिन का एंड विद राधा कृष्ण का मंदिर. हम गए थे एस्कॉन टेम्पल. गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट माई तीज ब्लॉग एंड आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या किया तीज में. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.